इसमें तो डिस्काउंट होता है ना, वो केमिस्ट वाले तो डिस्काउंट देते हैं। हाय राम। तो YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू प्रेंदी लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज लेकर आई हूँ कॉस्मेटिक बिजनेस का आइडियाज। तो उसमें क्या रहेगा कि बस मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के एरिया में कैसी दुकान चल रही है, कैसे कैसे सेलिंग हो रही है। तो गाइज, मैं तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे तो मेरी सेलिंग वैसे की वैसे ही है, मतलब इतनी ज़्यादा हाई फाई भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब नॉर्मल ही है। शादी वगैरह सोचा था 14-15 तारीख के बाद खुल जाएगा, बट शादी सीजन खुल तो गया है पर मेरे एरिया में शादियाँ नहीं हैं अभी। तो वो ये थोड़ा बहुत जा रहा है सामान। 14 तारीख को अच्छी सेलिंग हुई थी, बट 15, 16, 17 ऐसे डेट पे मतलब उतनी कुछ खास नहीं हुई है। तो लगभग लगा लो दुकान का बंटा धार, ठीक है। तो बस वही है, टाइम पास हो रहा है। 10 बजे 10:30 बजे दुकान में आना हो रहा है, बैठ रहे हैं, कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, थोड़े बहुत जो आ रहे हैं, बस टाइम ऐसे कट रहा है। तो गाइज, अब ये रहा कि कॉस्मेटिक का नहीं जाता, तो सोचा कि आपको कुछ आइडियाज़ दूँ कि अगर कॉस्मेटिक की शॉप है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉस्मेटिक के साथ साथ कुछ कुछ ऐड कर लीजिए ताकि आप एक ही चीज़ पे डिपेंड ना रहे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने उसमें रखा है रिबन, सुइयाँ, लास्टिक वगैरह, कपड़े, बच्चों के कपड़े, ये चीज़ें मैंने रखी हैं। तो गाइज, बस कॉस्मेटिक तो मेरा नहीं जा रहा उतना, जो सनस्क्रीन रहती है लगभग वही ज़्यादा निकल रहा है जा रही है, बट मेरे यहाँ कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, और कुछ कुछ थोड़ा बहुत मैंने ये ऐड कर रखा है, तो ये चीज़ें मेरी निकल जाती है। चूड़ियाँ रखी, अंडर गारमेंट्स रखे हैं। तो आप कॉस्मेटिक में निर्भर मत रहिए, थोड़ा बहुत इन चीज़ों को भी रखिए, तो साथ साथ ना ये चीज़ें भी निकलती रहती है। तो बस कॉस्मेटिक तो नहीं जा रहा मेरा उतना, ये चीज़ें मेरी निकल रही है। तो बस ये है कि संतुष्टि है कि हाँ भाई कस्टमर आ रहा है, कुछ कुछ सामान मेरा जा रहा है। तो ये है कि कस्टमर को सब चीज़ पता चलता रहता है कि इनके यहाँ ये भी है, और अभी स्टेशनरी का भी है कि कुछ कुछ आइटम स्टेशनरी का भी थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत लेके, मतलब बच्चे लोग यहाँ से ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाते हैं, इसी रास्ते होके जाते हैं, तो जब भी जाते हैं तो पूछते रहते हैं रबर, पेंसिल, शार्पनर, पेन वगैरह। तो ये चीज़ भी मैं ऐड करूँगी बहुत जल्द ही। तो ज़्यादा स्टॉक नहीं लाऊंगी, बस थोड़ा सा उठाऊंगी, एक 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 पीस लाऊंगी ताकि स्टॉक मेरा मेंटेन रहे, और ये भी छोटा छोटा मोटा ये निकलता रहे। तो बस गाइज, अभी हो रहे हैं 11 बज रहे हैं 11 बजे, अभी मेरी बोनी भी नहीं हुई है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में मैं बैठी हूँ, और साथ में मेरा बेबी भी सो गया। मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेबी को। तो ये देखिए गाइज, ये मेरा बेबी सो गया है, और इसीलिए मैंने ये ग्लास काउंटर नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चों के साथ ही कांच की चीज़ें बहुत दिक्कत करती है। और देखिए, जो नीचे मेरा कांच था ना, वो इसने तोड़ भी दिया, मैंने टेप लगा रखा है, वो इसने तोड़ दिया, इसी वजह से मैंने ग्लास काउंटर नहीं बनाया कि कोई दिक्कत ना हो। और अभी बोनी भी नहीं हुई है, और साहब जी थक के हमारे सो चुके हैं, और अब ये उठेंगे 1 या 1:30 बजे, तो थोड़ा मुझे राहत मिलेगी। तो मैं बस इसी को, इसको ऐसे क्लीन रखती हूँ, बस ये जब उठ जाता है तो ये जो मेरा स्टैंड है, मैंने यहाँ स्टूल में रखा है, इस स्टैंड को उठा के फिर जहाँ पर ये सो रखे हैं यहाँ पर रख दूँगी। तो बस ऐसे ही मेरा रूटीन चलता रहता है। सो गाइज, ये तो सो चुके हैं, अब थोड़ा सा सोचा कि चलो ब्लॉग बनाया जाए। तो थोड़ा होता है ना कि आप सुबह से पकड़ो, फिर बच्चे एक टाइम के लिए थोड़ा अच्छे भी लगते हैं, पर जब जिद्दी करते हैं ना तो बहुत मतलब गुस्सा भी आता है, पर प्यार भी आता है। तो जब मैं डांटती भी हूँ तो थोड़ा मान भी जाता है कि जैसे कोई कस्टमर आता है तो मैं उसे सामान देती हूँ, तो उनके पैसे देने से पहले वो गले से पैसे उनको दे देता है, चाहे मतलब कितना भी हो वो पैसे उठा के दे देगा, या कई बार नोट भी खा जाता है। तो मतलब ऐसे कई बार मेरा नुकसान भी हो रखा है। तो चलिए गाइज, अभी देखिए इतना धूप हो रही है ना कि मेरा खुद ही मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, तो कस्टमर तो आएंगे ही नहीं इतनी धूप में। बस ये है कि यहाँ से स्कूल का आना जाना लगा रहता है, तो उस टाइम पे कस्टमर आ जाते हैं। जी, आपको एक चीज़ बतानी है, एक कस्टमर आया था, उस कस्टमर को हम क्या कहेंगे समझ नहीं आ रहा। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसा कस्टमर था। तो कुछ कुछ कस्टमर को होता है ना गाइज, की होता है कि हर चीज़ में, छोटी बड़ी चीज़ में होता है डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसमें तो डिस्काउंट होता है ना, वो केमिस्ट वाले तो डिस्काउंट देते हैं। हाय राम। कोई वाइट टोन पाउडर लेने के लिए आया, वो 65 MRP पे था, तो मैंने उसको 65 में ही देना था, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं ये ब्रांडेड जितने भी चीज़ें होती है उसमें मार्जिन नहीं होता। हाँ, तो कस्टमर ने कहा
डिस्काउंट तो होगा ना इसमें? मैंने कहा नहीं जी, डिस्काउंट तो कुछ नहीं होगा, 65 रुपीज़ का है वो 65 में ही जाएगा, और जिसमें डिस्काउंट का रहता है उसमें मैं दे देती हूँ आपके बिना बोले। तो फिर उन्होंने ये कहा कि वो तो देते हैं, वो तो 5 रुपये 10 रुपये कम कर देते हैं। मैंने कहा कौन? केमिस्ट वाले। तो मैंने कहा आप उन्हीं से देख लीजिए ना, यहाँ पे तो मेरे पास तो नहीं होगा। मुँह इतना टेढ़ा करके गए वो, मुझे मतलब इतनी हंसी आ गई, मैं समझ नहीं आ रहा कि मतलब हर कस्टमर को मतलब छोटी से छोटी चीज़ में, मतलब वो कस्टमर पता कैसे हैं कि अगर ये बच्चों की हेयर एक्सेसरीज है वो 10 रुपये का रहेगा, उसमें भी वो बोलेंगे 5 रुपये कम करो। जो एवरयूथ का ब्लॉक मास्क होता है, मतलब कई चीज़ें वो काफ़ी मेरे पास आ चुके हैं और हर चीज़ में उनकी आदत मैंने देख ली, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, 5 रुपये डिस्काउंट जिसमें होता है बेशक मैं उसमें कर देती हूँ, बट इन चीज़ों में नहीं होता है। आप लोग भी जानते हैं, और जो जिन जिनको पता है कि इन चीज़ों में डिस्काउंट नहीं होता, लैक्मे सीसी क्रीम, मतलब जितने भी ब्रांडेड आइटम्स हैं, जिनको भी पता है प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन चीज़ों में डिस्काउंट होता है या नहीं होता, कितना परसेंट मार्जिन होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो मतलब कई कस्टमर ऐसे आते हैं ना, इतना दिमाग ख़राब कर देते हैं कि समझ नहीं आता। हाँ बेशक मेरे पास कपड़े वगैरह हैं तो उसमें मैं डिस्काउंट कर देती हूँ, मेरे यहाँ मतलब कोई कस्टमर आता है तो मैं 15% डिस्काउंट में चला देती हूँ उन्हें, और 15% डिस्काउंट करके कस्टमर थोड़ा बहुत 50 रुपये और कम करता है तो मैं तब भी कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कपड़ों में चलता है इतना, बट ये ब्रांडेड चीज़ों में नहीं चलता, ये आप लोग भी जानते हैं। तो गाइज प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ब्रांडेड चीज़ों में डिस्काउंट होता है या नहीं होता, और आप लोग अपने कॉस्मेटिक शॉप है या उसमें क्या क्या सामान रखते हैं, किन किन चीज़ों में कितना डिस्काउंट देते हैं। आपको मैंने बता दिया मैं कपड़ों में डिस्काउंट देती हूँ, बाकी इन चीज़ों में मैं डिस्काउंट नहीं देती। हाँ अगर ज़्यादा सामान लेके जाएंगे तो जो भी टोटल बनता है, जैसे 1000 रुपये का, 1500 2000 जो भी एक बंदा लेके जाता है, तो अगर उनका जो भी बन रहा है तो मैं उसमें 50 रुपये बेशक लेस कर देती हूँ, तो ये चीज़ होता है। तो चलिए गाइज ये तो था छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।